देखिए देखिए आप लोग जरा मेरी तरफ देखिए एक सेकंड। देखिए पूरे ध्यान से देखिए, पूरे गौर के साथ सुनिए, कहीं अगर जरा सा भी चूक गए ना तो ना आप कुछ समझ सकेंगे और ना मैं ही कुछ समझा सकूंगा। ये सारी की सारी कहानी देखिए देखिए आप गौर से देखिए। आप हैं मिस्टर संदीप भाई, बहुत ही खुश मिजाज आदमी है और बहुत अच्छा गाते हैं। रुक क्यों गए? ओ समझा, कोई खूबसूरत लड़की सामने से गुजर गई होगी, बस उसी को झांक कर देख रहे थे। ये जेब से क्या निकाला इन्होंने? हाँ, इन्हें सिगरेट पीने की आदत है भाई, यही दो कमजोरियां हैं इनकी, अच्छी लड़की हो या अच्छा सिगरेट, ये दोनों ही को जलाया करते हैं। देखा मैंने कहा था जलाएंगे। ये कौन है? हाँ ये सेवक है साहब, ये काम से भी सेवक है और नाम से भी सेवक, लेकिन अपने मालिक के बिल्कुल उलट तबीयत पाई है इन्होंने। वो जितने ही चंचल हैं ये उतने ही गंभीर किस्म के आदमी हैं। रिश्ता वैसे दोनों का नौकर मालिक ही का है, लेकिन रहते यारों की तरह है। ये अब कौन आ गया? मर गए तो देखने में हूबहू संदीप बाबू की तरह ही है। हूबहू क्या मतलब? मैं तो संदीप हूँ। तो बड़े उसी ही तबीयत के आदमी है, अब बिगड़ा हुआ मिजाज है इनका। सुबह सुबह कहीं बीवी से लड़के निकले होंगे घर से, इन्होंने भी तो कुछ जेब से निकाला है, देखिए तो क्या है। ओ हाँ, इन्हें नस्वार लेने की आदत है। जी हाँ। ये अब कौन है साहब? आप कौन है साहब? मैं सेवक हूँ शायद। शायद? ओ शायद इनका तकिया कलाम है साहब, वैसे काम से नाम से ये भी सेवक है, हाथ झुलाकर चलते हैं और बड़े खुश रहते हैं। दो भाई साहब, दो संदीप और दो सेवक, और दोनों ही जोड़े हैं, मालिक नौकर के, सिगरेट वाले संदीप, उनके गंभीर सेवक, ये शायद वाला सेवक और उसके गंभीर संदीप। अच्छा अगर ये कहीं आपस में अदल बदल हो जाए तो क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब है सुनिए तो सही, शायद कहानी हो जाए। ये अगर मैं तो फिर मान कौन? Thank you.
ये कौन से वाले संदीप आ गए? आप पहचानते हैं ये सिगरेट वाले हैं या नस्वार वाले? नहीं पहचान सकेंगे, ये तो मैं भी गड़बड़ा गया। मेरा ख्याल है चलिए इनके साथ साथ चलते हैं, घर तक मालूम हो जाएगा। भाई साहब घड़ी में क्या वक्त हुआ है? मेरे पास घड़ी नहीं है। आपकी नहीं, मेरी घड़ी में तेरे 2 बजे से घड़ी बंद पड़ी, इस वक्त 4 बजे हैं। चार चार अरे मेरे यार तेरी। वो ले आना, हम का ले आना, ढंग का ले आना, सब ले आया। बाजार में अगर बहू मिलती ना तो कहती बेटा वो भी लेते आना। तो ले आता ना, माँ साथ परदेश में छोड़े ही ना जाएगी, जो तेरा बचपना संभालती रहेगी। अरे माँ मेरा बचपना तो सिर्फ तुम्हारे साथ है, बाहर तो मैं एकदम सीरियस बिजनेसमैन, सीरियस बिजनेसमैन। हाँ हाँ जूते की क्या कर रहे बेटा? शान शान क्षमा क्षमा महामंत्री माता जी, मुझसे भूल हो गई, भूल हो गई। ये लो बस। हद कर दी तूने बेटा, इतने रुपए और इस तरह तस्वीर के पीछे कोई रखते हैं? क्यों क्या हुआ? कोई चोर ले जाता? अरे चोर बड़े होशियार होते हैं माँ, वो दीवारें नहीं टटोलते, वो टटोलते हैं बक्सा पेटी इत्यादि इत्यादि। हाँ बाबू तैयार हो गए? अरे सेवक तू जरा इसका ख्याल रखना। हाँ जी। कौन सेवक? हाँ तू मेरा ख्याल रखेगा? देखता हूँ सेवक। हाँ वो स्टीमर की टिकट तेरे पास है क्या? अरे माँ मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे तो तुम्हारे सामने कहना ही नहीं था। क्यों कहना नहीं था? तू छुपाना चाहता था मुझसे? अगर स्टीमर में सफर करना है तो कोई जरूरत नहीं है घर बगल खरीदने। अरे माँ तुम तो गजब करती हो, मेरी अच्छी माँ मेरी बात तो सुनो, बस गज भर का तो फासला है, स्टीमर से कूदा और रेलगाड़ी पकड़ी। शिकारपुर चाय गरम चाय गरम। खुली खुली माँ हंस भी दो। तू तो जानता है दीपू कि मैं पानी के सफर से कितना डरती हूँ, एक ही बार तो सफर किया था, उसी में सब कुछ छिन गई। तेरे पिता, तेरा भाई, सेवक का भाई, सब मेरे आंखों के सामने डूब गए। माँ कब की घटना, कहाँ रह गई, वक्त कितना आगे बढ़ चुका है और तुम बस अभी तक वहीं की वहीं बैठी हो। फिर मामा की नकल। अच्छा चल प्रणाम कर लेंगे। अच्छा ड्राइवर।
किरण 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 कहकर मेरा सर मत खाओ। किरण का नाम तो जब हो गई, किरण किरण किरण। मेरा नाम कैसे कड़वा लगता है, कैसे थूर से थूक दिया। मत लाना कमरबंद, मैंने तो मांगा भी नहीं था, खुद ही कह रहे थे कि कमरबंद ला दूंगा। एक जोड़ी कंगन की और ला दो ना किरण के लिए, मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ता, वो तो अंजू मिल गई जो उसने कह दिया। कैसे इधर मेम साहब के मुंह से निकला और उधर साहब लेकर हाजिर हुए। ओ, ओ, तुम चुप भी रहोगी यार। अंजू अंजू, इसमें अंजू को बुलाने की क्या बात है, ये भी कोई पूछने जैसी बात है क्या? अंजू मत आना। अंजू अंजू खबरदार, अंजू अंदर आई तो मार खाएगी। मैं अंदर नहीं आई दीदी। अंजू जाओ, अंजू समझाओ। उठो, शिकारपुर आ रहा है। संदीप साहब कुछ खोए खोए लग रहा है? नहीं तो। हाँ बाबू। कि टिकट कलेक्टर हो पहचानता है क्या? पता नहीं बाबू, सुंदर चेहरा देखकर पहचान लेते हैं। मुझे भी पहचान लिया। तुझे भी पहचान लिया? हाँ। ये हम कहाँ गए? यहाँ तो लड़कियाँ शादी करने के लिए झंडे लेके निकलती हैं। सेवक मुझे भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। मैं कहता हूँ बाबू यहाँ से वापस चले चलो, मुझे तो कुछ शगुन अच्छे नहीं लगते। संदीप बाबू, संदीप बाबू। ये तो मुझे मेरे नाम से पुकारा है। जल्दी चलो यहाँ से बाबू। संदीप बाबू हो गया, चुटकी बजाते में हो गया। क्यों? मुझे भी लगता है कुछ हो गया। अजी नहीं होगा, आपकी सिफारिश हो और काम न हो, वो तो आपने चिट्ठी दे दी। अगर आपका नाम ले देता तो काम हो जाता। आप मानेंगे न उम्र पूछी न तजर्बा पूछा न इंटरव्यू और खर्च से नौकरी पकी। आप सुने तो कानों पर यकीन ना है। मुझे तो आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा है। हंसी मजाक करना तो कोई आपसे सीखे, कितने खुश मिजाज है हमारे संदीप बाबू। क्यों सेवक? ओहो, कहीं बाहर गए थे, बड़े थके होंगे। अच्छा मैं चलू। जय जयकार। जय जयकार। जय जयकार। जय जयकार। सेवक ये मुझे शिकारपुर नहीं पागलपुर नजर आ रहा है। जल्दी चलो बाबू यहाँ से। सुन, तुझे नाम से पुकारा था ना? तेरे अपने नाम से? अपने नाम से। तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सेवक की नहीं तो नहीं था।
खराब यहाँ नहीं है तो किस चूल्हे में झोंकी है? इस घर में कभी भी कोई चीज बच के मिलती है कहीं? होता क्यों नहीं? पूछ तो जरा, जब ये पैंट शर्ट निकाल के रखिए फिर ये धोती कुर्ता पहन के किस दरबार में जाया जा रहा है? लगता नहीं जाना है क्या? पूछता तो नहीं खड़ा था, मेरा मुंह क्या ताक रहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? कह दे, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। आप कह रहे हैं मैं दफ्तर नहीं जा रहा हूँ तो फिर इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? तो फिर इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाओ तुम्हें क्या? कहीं भी जाओ तुम्हें क्या? क्या सेवक, कह दे मैं आज कमरबंद बनवाकर तैयार करवाकर साथ ही लेकर लौटूंगा, समझा? कह दे आज कमरबंद बनवाकर लेकर साथ कर भूल गया। कह दे तभी घर लौटूंगा जब मैं कमरबंद लेकर आऊंगा। तभी घर लौटूंगा जब कमरबंद लेकर आऊंगा शायद। ये शायद क्या? कहते तभी घर लौटूंगा जब मैं कमरबंद लेकर आऊंगा। वही तो, तभी घर लौटूंगा शायद जब। फिर शायद मर गए। अब जूता पहन के कहां चले? नाश्ता नहीं करोगे क्या? नहीं। देखो जी मैं कह देती हूँ, यूं भूखे पेट अगर घर से बाहर निकले ना तो मैं ये सब तोड़ फोड़ दूंगी। तुम क्यों तकलीफ उठाती हो? मैं खुद ही तोड़े देता हूँ। देखो जी मैं कह देती हूँ, ये मेरी माँ ने दहेज में दिया था, खबरदार जल्दी से तोड़ा तो। अपनी बहन को समझा लेना, अब मैं कमरबंद लेके ही लौटूंगा। इतना गुस्सा? हट जाओ अंजू, क्या मजाक है? बूंद बराबर बोना सा फन्ना कर लपका, पैर के अंगूठे से उछला, टखनों से घुटनों पर उठा, पेट पे आया, नाक पकड़ कर खोला, फैला फन फैला कर सर पे चढ़ गया। क्या गुस्सा? ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा, ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तौबा तौबा।
सवाल कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तोबा तोबा, ऐसे गुस्सा न कीजिए हुजूर, मीठे माथे पे गुस्सा तोबा तोबा। आखिर दूध तो वही पियेंगे लेकिन मैला करके। Good morning. Good morning. Chicken curry, chicken curry, chicken curry, chicken curry. Good morning. Good morning. Chicken curry. What time should we serve the lunch, sir? बाबू देखिए मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, टेबल कहीं रहेगा, फिर टेक लंच। थैंक यू सर। सेवा सुन, इसमें 2000 रुपए हैं, बाकी मैं ले जाता हूँ, शायद खेतान के सौदा हो सके। और सुन जरा ध्यान से रहना, बाहर मत जाना। तब तक लौटोगे? शाम तक लौटाऊंगा। आइए आइए दादाज, जय राम जी, राम जी की जय, जय राम जी, राम जी की जय। बैठिए। नहीं बैठूंगा नहीं लालू, नहीं कुछ नहीं पीऊंगा। कुछ तो लीजिए। ना ना ना, व्यापार में प्यार नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत डरता हूँ, जहाँ ये दोनों मिले वही लुटा दूंगी। मैं कह रहा था बेटा मेरे लिए चाय ले। आज माथे पर तिलक नहीं धरमदास जी। आज सवेरे मंदिर पे आ रहा था कि वो स्कूल मास्टर मिल गए, बड़ी मुश्किल में पड़ गया। सोचा माथे पर तिलक लगा है और जुबान पर सूत की बात को ठीक नहीं, बस फौरन तिलक पहुँच लिया और सूत मांग लिया। ये कहो ये अचानक 1000 रुपए की जरूरत कैसे पड़ गई? अजीब, वो एक गहने का ऑर्डर था और आजकल हाथ में कर रहा था कुछ तंग है, मैंने सोचा आपसे रुपए लेकर उसे पूरा कर दूंगा। जरूर जरूर। ये ऑर्डर कितना है? अपने संदीप बाबू का। ओ, संदीप बाबू भाई वो तो बड़े खयाल। मैं कह रहा था, यही कह रहा था कि भगवान का दिया वहाँ बहुत कुछ है। 200 रुपए फौरन दे देंगे। अजी जब मांगो तब दे सकते हैं। दे सकते हैं या दे देंगे? मैं कह रहा था, क्या कहा आपने? मेरा कहना है कि दे सकना प्यार की बात है और दे देना बेकार की बात है। मतलब कि गहना दिया और कीमत मांग ली? मैं कह रहा था ठीक है, मेरा रुपया मुझे वापस कर दिया। ये भी ठीक है। ठीक तो यही है, बेकार में प्यार नहीं। ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं। ये लो। मुकुंद बाबू जी, आप ऑफिस में बैठे बैठे क्या कर रहे थे? किताब देख रहा था। किताब देख रहे थे? तस्वीरें देख रहा। कैसी तस्वीरें? आप ऑफिस में बैठे बैठे ये तस्वीरें देखा करते? जी मैं लड़की के लिए कपड़े के डिजाइन देख रहा था। ओ सुनिए जी, आपने करम चंद सुनार का नाम सुना? जी जी। वो यहाँ के बहुत अच्छे और नामी सुनार है। जी हाँ, नामी सुनार। तो मैं कह रहा था जी, लेकिन दर्जी सुनार के पास कपड़े के डिजाइन और दर्जी के पास लड़की। आप मेरा मतलब नहीं समझे। जी जी। ये किताब
करमचंद के पास भिजवा दीजिए जी, और कहलवा दीजिए कि एक अच्छे से डिजाइन का कमरबंद बना दें जी हाँ। क्या समझे? कमरबंद के पास कहला भेजता हूँ, एक अच्छा सा डिजाइन का करमचंद बना दें। समझ गया समझ गया। ये साहब रसीद आप देखिए, बयाना मैं आपको दिए जा रहा हूँ, आप इस जंगल का रजिस्ट्रेशन करके पोस्ट कर दीजिएगा। लेकिन साहब बाय पोस्ट क्यों? अभी तो आप दो चार दिन ठहरेंगे, साथी लेते जाइए। अजी ठहरता कौन है, इधर काम खत्म उधर मेरी यात्रा शुरू। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है मिस्टर संदीप, दो एक दिन ठहरी जाइए। पहली बार तो आप इस शहर में आए। मैंने भी ये सोचा था कि मैं यहाँ पहली बार आया, मगर लोग कुछ इस तरह मिलते हैं जैसे मैं यहीं का रहने वाला हूँ। नहीं साहब, पहले भी हम आपको कहीं देखा। लीजिए साहब, जरूर देखा होगा मगर सपने में। तो फिर ऐसा कीजिए, यहाँ पर आदिवासियों का एक बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत शानदार होता है, आप वो जरूर देखे जाइए। जी राधा तो नहीं है, मगर दिल चाहा तो जरूर देख लूंगा। आप पैदल क्यों जा रहे हैं? आप स्कूटर हो मेरे पास, छोड़ दूंगा मैं स्कूटर। आप आगे निकल जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा।
उजाला करती है शाम, हवाओं के लिख दो हवाओं के नाम। शहर का रास्ता क्या है? शहर का रास्ता? शहर का रास्ता पीछे रहेगा बाबूजी, आप तो उल्टे आ गए हैं। वो बात ये हुई कि एक छोटी बच्ची थी जो एक बकरी के बच्चों को लेकर आगे आगे जा रही थी, तो मैं उसके पीछे अपनी राह भूल गया। बकरी का बच्चा? आप तो बड़े भाग्यवान हैं बाबूजी। वो तो बंदी भी है, वो तो किसी किसी को दर्शन देती है। बंदे भी? बंदे भी? धन्यवाद। अच्छा बाबूजी, बैठा जा रहा है। अच्छा, देखो तो क्या ये क्या कहा? अच्छा भला तो चल रहा है। चल रहा है या बैठा है? तेरा तेरा ब्याह हो ले ना, तब पूछूंगी। इसका तो कोई चांस नहीं। अब तू ही बताना अंजू, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो सुबह से आम फर कर देखा तक नहीं? दीदी, बाबा आदम की जमाने की बात करती हूँ, ये मर्द होते हैं ना, इनका तो आचार डालना चाहिए, बड़े चटपटे लगेंगे। तेरा बचपना कब जाएगा? मुझसे तो रूठे थे, लेकिन अन्न पान ने क्या किया था जो खाने की भी सुध नहीं ली। ये ट्रायंगल तो ऐसा ही होता है दीदी, बीवी का गुस्सा मर्द पर, मर्द का गुस्सा खाने पर। मैं हुआ कमर बंद, किस शुभ घड़ी में उसका नाम लिया था मैंने, ये सब उसी की लगाई हुई है। दीदी प्लीज अब फिर से रोना मत शुरू करना, मैं अभी किसी को भेज देती हूँ, तो भेजना जल्दी कर। सेवा झगड़ा सा है निमका और मरे नौकर चाकर, जब जोर से चलाया पंखी, क्या हाथ टूट गए तेरे? एक तो यूं ही भूखे मारे पेट में भगदड़ मची, ऊपर से खुशबू आते जला रही है। देखा, ये सब तेरे ही। देखू, खबरदार हाथ तोड़ दूंगी। प्यारी, तू तो बहुत ही प्यारी है। शायद सेवा? प्यारी मैं कह रहा था शायद। तुझे सुनाई नहीं देता? हाँ आया। चुप रह नकलची, खुश खुश। क्यों रे, तेरे कौन से खेत खा रहा था? काम भूले तो मेहमान आते। यही सर पे चढ़ी जा रहे हैं। तू पहले क्यों इतने सर पे चढ़ा था, क्या उतारे नहीं उतरते? तू देख ले नांजू, मैं किसी दिन कुछ खा के मर जाऊंगी। अरे दीदी, अगर यही हाल रहा तो बगैर कुछ खाए पिए मर जाऊंगी। ले, तू यहाँ क्या कर रहा है? बुलाया था मुझे। हाँ, जा साहब को ढूंढ के ला। अच्छा, जाता हूँ। कहाँ ढूंढेगा? हाँ, कहाँ ढूंढूंगा? तो फिर ज्यादा आ रहा था। हाँ, शायद साहब को बुलाने। ओ अकल बड़ी के भैंस,
शायद तो खाते के सो गए और साथ के खाने की कोई चिंता नहीं, क्यों? हमने कहा था प्यारी ने भी नहीं खाया। ओ तेरी प्यारी, देख रात को दफ्तर से बुलाना और कहना उनकी वजह से घर में किसी ने खाना तक नहीं खाया। और दीदी वो तो रो रो के मरी जा रही है, जा। अच्छा जाता हूँ। आप सिगरेट पी रहे हैं साहब? बेशक पी रहा हूँ। अरे तू होटल से यहाँ क्यों चला आया? होटल से? कौन सा होटल? अरे मैंने तो जो होटल में ठहरने को कहा था ना। नहीं साहब, मैं तो सीधे घर से आ रहा हूँ। बीवी जी ने आज दिन भर खाना नहीं खाया। किसकी बीवी? आपकी बीवी साहब। मैंने और प्यारी ने भी नहीं खाया। किसकी प्यारी? मेरी प्यारी, मेरी बीवी साहब। अरे क्या बकवास कर रहा है? मैं सच सच कर रहा हूँ साहब, आप घर चलिए। बीबी जी ने कहा है कि वो जहर खा लेंगी और बीबी साली वो भी बहुत फिक्र कर रही है शायद। अरे शादी हुई नहीं और ये बीबी साली कहाँ से टपक पड़ी है? रुपए कहाँ है? कौन से रुपए? वो जो मैं तेरे पास छोड़ आया था, 2000 रुपए। 2000 रुपए? हाँ। देखिए साहब, आप जो सिगरेट गांजा पी रहे हैं इससे सारी गड़बड़ी हो रही है। वो आप जो नसवार लिया करते थे ना, वो बहुत अच्छा था। मैं नसवार लिया करता था? और नहीं तो क्या, बीबी ने कितनी मतलब मना किया फिर भी आपने छोड़ा नहीं। फिर वही बीबी? बीबी से झगड़ा करके आए, ऊपर से गांजा भी पीने लगे। क्या कहा? गांजे पीने लगे। सिगरेट गांजा नहीं तो और क्या है? मैं गांजा पीता हूँ। हाँ मैं गांजा पीता हूँ, तू भी कह। रुपया खोकर पागल तो नहीं हो गया? ए रिक्शा सीधे चलो। तू जल्दी पहुंच गया जी। जी रुपए कहाँ है? रुपए? हाँ ये मेरा एंट्री में लो। दो थप्पड़ पड़े जो होश ठिकाने आ गए। अच्छी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, हंसी मजाक हो रहा था। देखो बाबू, ये परदेश का हंसी ठट्टा अच्छा नहीं होता। हाँ परदेश का हंसी ठट्टा अच्छा नहीं होता। तो फिर वो क्या कह रहा था बीच बाजार में? बीबी जी नाराज हो रही है और वो क्या नाम है उसका, प्यारी भूखी प्यासी बैठी है। प्यारी? प्यारी कौन? अरे तेरी बीवी। मेरी बीवी? मेरी शादी कहाँ हुई? अरे तो फिर मेरी बीवी कहाँ के टपक पड़ी? तुम्हारी भी तो शादी नहीं हुई। फिर देखो बाबू, तुम्हें आज हो क्या गया है? मेरी समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। अरे दो थप्पड़ और पड़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। मैं गांजा पीता हूँ। कहाँ गया? तूने कभी मुझे सिगरेट पीते नहीं देखा? मैं तुमसे मिला कहाँ? जानू में। मैं तो नहीं गया। मैं आज होने छोड़ के कहीं बाहर नहीं गया। तो फिर जरूर तेरा भूत मिला होगा। मैं सच कहता हूँ बाबू, मैं फिर छोड़। तुमने मुझे मारा, मुझे झूठ मूठ मार के नहीं बाबू। मैं झूठ बोल रहा था, तुम्हारा झूठ नहीं बोल रहा बाबू। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून डिनर। मैनेजर साहब आप ही बताइए तो, दिन भर में आज एक बार भी मैं होटल से बाहर गया या नहीं? नहीं तो ही डिडंट गो आउट सर। खैर मैं, हाँ आप क्या पूछ रहे थे? फॉरगॉटन सर। रिमेम्बर सर, रात का खाना किस वक्त सर? रात का खाना रात के 9 बजे। थैंक यू सर। थैंक यू। अरे ए मोटे, यहाँ क्यों छुपा हुआ है? पागल हो गए क्या? मैं नहीं, साहब पागल हो गए। अजीब बैंकी बैंकी बातें कर रहे हैं।
कहते हैं मेरा कोई घर नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई। क्या बक रहा है तू? मैं बकता नहीं, ठीक कह रहा हूँ। तो बीबी जी से क्यों नहीं कहा तूने? अरे बाप रे, बीबी जी से मैं नहीं कह सकता शायद। ठीक है, तुम कहती हो तो चली जाती हो, लेकिन देख लेना वही सुनार की दुकान पर बैठी हूँ। पता नहीं क्या होगा अंजू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देख देख मेरी डांडिया कैसे सड़क रही है। ओहो दीदी, मैं तो तुम्हारे घर मुंह से तंग आ गई। कभी दिल धड़कता है तो कभी आंख फड़कती है तो कभी भूत नजर आते हैं। तेरा क्या, तू तो कुछ मान गई नहीं ना। जरा पूछना प्यारी से, वो जो मोहल्ले में एक जोड़े ने आत्महत्या की थी। बस बस जानती, अगर प्यारी का बस चले तो सारे घर को पागल करके रख दे। सेवक तो आ गया। हाँ आ गया, वो तो मेरा दम था जो चला आया। मेरी जगह और कोई होता तो देखता कैसे आता। हाँ शायद। क्या कह रहा है, साहब मिले थे या नहीं? हाँ मिले थे शायद। शायद क्या, मिले थे या नहीं? हाँ मिले थे, ना मिलते तो अच्छा होता, बहुत पिटाई की। क्यों? पता नहीं, पूछने लगे तू होटल से क्यों चला आया, वो 2000 रुपए क्या हुए? होटल 2000 रुपए? क्या कह रहा है? हाँ दीदी, उन्हें सचमुच कुछ हो गया है। मैंने उन्हें कितना समझाया कि घर चलो, बीवी जी राह देख रही हैं, तो बिगड़ गए, मुझको मारने लगे। कहने लगे मेरी शादी ही नहीं हुई तो बीवी कहाँ से आ गई, साली कहाँ से आ गई। बेचारी प्यारी को भी नहीं पहचाना। अब क्या होगा, सुना तुमने अंजू? हाँ दीदी सुना, लेकिन ये मत भूलो कहने वाला सेवक है, कहता है तो शायद सुनता है तो शायद। नहीं दीदी, शायद मैं सच कह रहा हूँ। देखा सुन लिया, तू चला मेरे साथ। हाँ? दीदी तुम बन जाओ। दीदी जी मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? मैंने कहा था ना कि जोड़े ने आत्महत्या की, कहीं वही तो नहीं जो भूत बन बनकर आ रहे हैं? क्या, एक तो पहले ही जाने का थी, ऊपर से तू डरा रही है। ए, हाँ। देख हाँ। तू किरण के वहां जा, मैं सुनार के वहां जाती हूँ। वही मिल गए और फिर मारने लगे तो? ज्यादा हाथ मत झूला, अपना काम कर। चलो सर, हम लोग मेला देखने चले। बाबू तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया। सेवक अगर फिर तुमने वही बात की तो मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा। तुमने मुझे मारा, मुझ पर हाथ उठाया। अरे बाबा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, अब कभी ऐसा नहीं होगा। बस हंस दे, हंस दे, हंस दे, हंस दे। वहाँ एक ज्योतिषी बैठा है, मैं जरा अपना हाथ दिख रहा हूँ। जरा सुन दादा, देखा और शादी कर दूंगा, तुम्हारे बारे में भी पूछ लूंगा। अकेली आई हो क्या संदीप भाई? नहीं यार, नहीं मुझे कुछ काम। और भाभी
अच्छा दोनों का मेरी मन्नत से करना। चलो बच्चे चलो चलो। Take it.
लक्ष्मियों का जादू उतारो, सारी लक्ष्मियों का जादू उतारो। तेरा बच्चे अरे हटके, तेरा बच्चे हटके, और भूखे पेट भजन करते हैं हाथ में लेकर कासा, भूखे पेट भजन करते हैं हाथ में लेकर कासा। अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे, अल्लाह रोटी दे दे। ये सब क्या लगा रखा है तुमने? लगा रखा है मैंने या आपने? पति पत्नी का झगड़ा किस घर में नहीं होता भला? पति पत्नी का झगड़ा तो होता है, मगर तुम्हारी, मगर देखिए आपको गलत कमी हुई है, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई तो सेवक ठीक ही कह रहा है। सेवक वो कहाँ मिला आपसे? मिलता था घर पे, मगर वो तो मेरा नौकर है। तुम्हारा ही नौकर तुम्हारे ही घर पे रहता है, अब चलो यहाँ। अरे 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 पहाड़ियों में रहा तो साहब नौकर ने मिलकर ये खिचड़ी पकाई, दीदी वहाँ भूखी प्यासी बैठी और तुम लोग यहाँ तमाशा देख रहे हो। बाबू कौन है, क्या हुआ? देखिए मिस, बस बस मुझे नहीं मालूम था इतनी अच्छी एक्टिंग कर ले, चलो घर। अरे आप तो खामोख मुझे डांटी जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुनूंगी, भरे मेले में तमाशा करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, खोचे बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं, बाजार में लड़की का हाथ पकड़ता है बोलता है कुछ नहीं कुछ नहीं, और खोचे लड़की हाथ पकड़ा, हम नहीं हम नहीं। ये मेरे जीजा जी। देखिए इन्हें गलतफहमी हुई है, मैं इनका जीजा जी नहीं हूँ। अरे साहब साली एक बार अपनी बहन को भूल सकती है, लेकिन अपने बहनोई का? जाइए जाइए घर जाइए। संदीप बाबू ये बात आपको शोभा नहीं देती, घर का बर्तन घड़ी में बजे तो अच्छा मालूम होता है। पूछा जाओ जाओ, अभी तो साली आया पीछे बेगम आता होगा। आप उनको पहचानते हैं संदीप बाबू को? क्यों सेवक तू मुझे नहीं पहचानते? सेवक उम्र का बाबू। देखिए देखिए आपको बड़ी गलतफहमी हो रही है, मैं आपका जीजा जी नहीं हूँ, मैं तो आपका प्लीज जीजा जी। हे भगवान ये किस जादू नगरी में आप पहुँचा, एक बार घर पहुँचा दे फिर दोबारा घर से नहीं निकलूंगा भगवान। चलो ना जी, कब तक अंजू के कमरे में बैठे रहोगे? देखो ऐसे बोंदों से बने रहोगे तो मैं नहीं मानूंगी। तुम ऐसे चुप क्यों हो जी, कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं? कहिए फरमाइए। फिर वही कहिए बोलिए फरमाइए, आखिर ये सब क्या लगा रखा है? अंजू भी कह रही थी कि उससे तो माँ बाप करके बातें कर रहे थे। तो फिर क्या कर बात करूँ? तुम मुझे ऐसी इज्जत से क्यों पुकार रहे हो? तो फिर कैसे पुकारूं?
आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे साथ ये ढोंग कर रहे हो? ओ मेरे बाप, देखो जी ये सब कोई नहीं देख रहा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, सौगंध खाती हूँ, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे यूं शर्मिंदा मत करो। पता है पिताजी की कितनी इज्जत थी शहर में, इसीलिए तो लोग मेरा भी मान करते हैं। कल को लोग सुनेंगे हंसेंगे तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? कल ही नहीं नहीं, मैं आज ही सिवा कभी कुछ खा के मर जाऊंगी। नहीं कहोगे ना? नहीं। तो मैं भी नहीं मरूंगी, सब समझते हो, फिर भी अकेले में जो चाहे जो कह लो, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझे तो सहना ही चाहिए, मैं सहूंगी। लेकिन यो छोटे बड़े सबके सामने आप जी जी करके मेरी बेइज्जती मत किया करो, ऐसे मत कहा करो कि मैं तुम्हारी बीबी नहीं, तुमने शादी नहीं की। नहीं कहोगे ना? नहीं। अच्छी बात है बाबा। मनो नन्ना राजा, देखो तो इतनी सी बात के लिए सारा दिन तुम खुद खाया ना, किसी को खाने दिया? नहीं नहीं, मगर मैं तो दोपहर को, मैं जानती हूँ तुम दोपहर को कम खाते हो, लेकिन खाते तो हो ना, देखो तो कैसे चेहरा उतार लिया। वो तो अच्छा हुआ जो अंजू तुम्हें खुद बुलाने चली गई, वरना तुम किसी के बुला आते पहला क्यों? देखिए, देखो तुम फिर वही देखिए, देखो मेरा इज्जत में अभी तक ठीक नहीं हुआ। आईडी लगा लो, आईडी लगा लो, उस समय खुद ही वो तो लाश सूझ रहा था। अच्छा सुनो, तुम मुझे वैसे ही पैर से बुलाते? कैसे? जैसे बुलाते हो सुमना ना। तो तुम भी। अच्छा उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊं। खिलाओ। खिलाओ। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। सर, यह हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, उनको क्या इतना सख्त लेटर लिखना अच्छा होगा? तुमसे किसने राय पूछी है? जो कहा है लिख दो। यस सर। क्या सर? कुछ नहीं, हो गया? यस सर। ठीक है, तुम जा सकती हो। गुड नाइट। गुड नाइट। सुन। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? साहब है? हाँ है, अंदर है। गुस्से में है? हाँ गुस्से में है। मर गया शायद, तो कैसे अंदर जाऊंगा? चला जा, तुझे कुछ नहीं कहेंगे। जाऊं? हाँ जाना ही पड़ेगा। खाना लाया? खाना तो नहीं लाया शायद। नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? हाँ, आज तो किसी ने नहीं खाया। अच्छा हुआ, सब भूखे रहो। मैंने आज प्यारी ने भी नहीं खाया। साहब देखिए नहीं कितना अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? यही कि आप फिर से नसवा ले रहे हैं, तो खाम खा सुबह सिगरेट पीकर गर्म हो गए और मुझको भी मारने लगे। क्या बोल? नहीं था, नहीं शायद मैं कुछ झूठ मूठ का क्या गला दबा। कंधा कंधा ऐसा। सेवक, तेरी मालकिन स्वभाव की तो जिद्दी है, मगर मन की बहुत अच्छी है, तभी तो उसका नाम है सुमन, है ना? साफ घर चलिए, कमरबंद लेकर वापस जाऊंगा। कमरबंद तो सुनार क्या चलिए ना? हाँ वो सुनार क्या? अच्छा तो चल। हाँ 9:30 बजे देने को कहा था। चलिए।
लिया दीदी जी? हाँ खा तो लिया, लेकिन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता अंजू। कुछ नहीं दीदी, ये सब एक्टिंग है। तुम जानती नहीं जीजा जी को? याद है शादी से पहले जब साधु का भेज बदल के आए थे, कितना सताया था तुम्हें। अभी तो सता ही रहे हैं। एक तुम्हारी है जो सुन ले, वरना मेरी तो सुनते ही। दीदी दीदी जरा कंगी पट्टी कर लो, सब सुन लेंगे। जा जा, तुझे तो हर वक्त मजाक सोचता है। जरा कंगी पट्टी कर लो, सब सुन लेंगे। ये क्या सिगरेट पी रहे हो? नसवार कहाँ गई? नसवार अभी तक तो आजमाया नहीं जी। एक दिन घर से गायब क्या हुए, बहुत कुछ अपना लिया, छोड़ने को सिर्फ एक दीदी मिली थी, है ना? लो पान खाओ। मैं पान नहीं खाता जी। अच्छा, तो ये ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ। चलो आ करो, आ करो। तो क्या मुसीबत है? मुसीबत अरे, अरे, आ करो। That's like a good boy. चलो अब कहाँ चले? आप अपने बेडरूम में चलिए राजकुमार साहब, जहाँ आप आराम फरमाया करते हैं। चलिए। बेडरूम? शहजादी साहिबा, एक बात कहूँ? दो कही। अभी अभी तो कहानी में जरा मजा आने लगा था, और आप अब इस कहानी को बेडरूम में धकेल रही हैं। कहानी नहीं, कहानी के हीरो को अंदर लेके जा रही हूँ। चलो। अरे क्या कर रही है? शर्मा तो ऐसे रहे जैसे नया नया शादी करके आए। देखो तो कैसे लाल सुर्ख हो गया है चेहरा। होगा नहीं, आपने कभी डूबते हुए सूरज को देखा? जब उसका अंत समय आता है तो वो भी ऐसे ही लाल सुर्ख हो जाता है। कल तक तो हिसाब किताब से फुर्सत नहीं थी, और आज शायरी करने लगे। उनके देखे से मुंह पे जो आ जाती है रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बस बस और कुछ। सेवक। हाँ? मैंने इतना श्रृंगार किया, कुछ कहा भी नहीं। मैं कैसी लगती हूँ जी? बस अब और कुछ नहीं। और हलवा जो मैंने कहा था अपने हाथ से खिलाऊंगी। कब कहा? हलवा मैं बिल्कुल नहीं खाता। हलवा नहीं खाता? हलवा मुझे पसंद नहीं। खोल मुझे तो मारू तो उन पर। खोल। बैठो। क्या देखिए, सब कुछ बड़ा नया नया लग रहा है ना? नया नया तो लगेगा ही। आज तुम भी दीदी को बड़ी नया नया लगोगे। क्यों? मुझसे क्या पूछते हो, दीदी से ही पूछ लेना, मैं भी भेजती हूँ उसे। अच्छा ये बताइए कि इस कमरे में और कौन रहता है, आप और आपके? अच्छा ये बताओ, ये आप कब तक चलेगा? तो क्या कहूँ? क्यों, तुम नहीं कह सकते? अच्छा चलो तुम ही सही। शुक्र है एक पुर्जा तो ठीक हुआ। सारी मशीन ठीक हो जाएगी अगर अगर तुम मेरी बात मानो तो। क्या करना होगा इस बागी को? पहले बैठो। ओहो, बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। अब कौन सी मुश्किल आन पड़ी? मुश्किल ये है कि तुम्हारी दीदी तो पराई स्त्री है। अगर मेरी दीदी पराई स्त्री है तो तुम्हारी अपनी स्त्री कौन सी? अभी तक तो नहीं हुई, मगर कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगी, तुम भी हो सकती हो। जीजा जी, सच कहता हूँ, मेले में जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा। जीजा जी, इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, मैं कह देती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, डर गई थी। अब तो ठीक है ना वो?
पता नहीं कहाँ कौन सा पेज ढीला हो गया, जाओ तुम ही देख लो जाकर। अंजू तेरे तो हाथ पांव ढीले हो रहे हैं। जाओ ना, कस देंगे जीजा जी। क्या अभी तक वैसी आप चीजें कर रहे हैं? आपसे तुम पर तो उतरे, लेकिन पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। फिल्म का दिमाग तो नहीं चल गया? मुझे तो ऐसा ही लगता है। और सुनो, उनसे कुछ मांगना मत। नहीं नहीं अंजू, वो अच्छे हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने गुस्से में मेरा गला दबा दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तुम भी उनसे जिद मत करना, जो कहे मान लेना। तो जाऊं? जाओ ना। अच्छा जाती हूँ। मैं सुमन हूँ। ये मुझे पागल समझती है, इससे बचने के लिए मुझे भी पागल बनना पड़ेगा। ये क्या? आप सोएंगे? तुम नहीं सोओगे? क्यों? तो क्या रात भर यूं ही खड़े रहोगे? तुम तो बस एक्टिंग करने लगे। छोड़ो, अभी क्या मजाक है, चलो और सो जाओ, मैं तुम्हारे सर दबा दूं। आप कहाँ सोएंगी? क्यों नहीं, जहाँ रोज सोती हूँ तुम्हारे पास। शर्म नहीं आती? मैं पराया मर दूँ? चुप रहो, क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, जो मुंह में आता है बक देते हो। जरा तो ख्याल किया करो, जरा तो ख्याल किया करो जी। मुझे मालूम है, मुझे सताने के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना? मुझे शाम को कैसे अच्छे पले हो गए थे। छोड़ो भी, अभी क्या बचपना है, चलो और सो जाओ। आप यहीं सोइए, मैं कहीं और सोऊंगा। यहाँ नहीं सोगे तो और कहाँ सोगे? यहाँ नहीं सोगे तो और कहाँ सोगे जी? भागो 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 भागो। अब कहाँ चले? बाथरूम, मैं बाथरूम में सोऊंगा। अंजू क्या है, क्या हुआ? देख अंजू, कहते हैं कि मैं बाथरूम में जाकर सो जाऊंगा, सो रहे जा रही जाए, मैं भी कहीं जाकर सो रहूंगी। दीदी क्या पागलपन कर रही हो? पागलपन मैं कर रही हूँ या वो कर रहे? अरे सब्र से काम लो। अब और कितना सब्र करूँ, जैसे तो ये सब कुछ हो रहा है। देखो दीदी, मैं नहीं सीधा कर रही, तुझे जो कुछ करना वो तू कर, मैं नहीं करती। देखा आपने, भगा दिया ना चीचा जी। भगवान के लिए अब तो ये ड्रामा बस कीजिए, हम तो तंग आ गए हैं। एक दिन साहब के साथ क्या गुजार लिया, साहबों की बोली बोलने लगा, आप जी हाँ जी। ये ले पंखी। मुझे नहीं चाहिए जी। चाहिए क्या नहीं, ले, गर्मी की मारे जान निकल रही है, पंखी नहीं चाहिए। बम मरते बढ़ाया है नवाब साहब, खुद को हवा कर रहे हैं, चलो मुझको हवा कर। उठ, फिर कोई मुझे बताए। अब सब बोल, तुझे हुआ क्या है? अरे ये तो ताला लगा रही है। भूख क्यों मर गई तेरी? नहीं तो? नहीं तो क्या? रोज तो 6 बार बर्तन भरती हूँ, आज 2 चावल खाए और बस डकारा गया। ये चावल खाने का मुझे शौक नहीं। हाँ हाँ, बड़े नए नए शौक लगे हैं आज। रोज तो धोती में हाथ रगड़ता था,
आज पूछता है तौलिया है कोई? जी वो तो यूं ही मैंने आपसे पूछ लिया, अगर तौलिया हो तो। क्या चुप है मजदूर, बड़ा है आपकी बोली बोलने। दूसरा ताला लगा रही है, दांत तोड़ दूंगी तेरे, फिर से इसी जगह से बुलाए तो। हाँ अच्छा तो अब मैं जाता हूँ। जाता कहे, सोएगा नहीं? कहाँ? अपने कमरे में चल। हाँ। अब रुक क्यों गया? क्या हुआ तुझे, कहीं भांगवान तो नहीं पी? क्यों रे बगले, बड़ा भगत बन रहा है? जय बगली बोली। अरे बाप रे, मैं इस कमरे में नहीं सो सकूंगा। क्यों? पराई स्त्री के साथ, पराई स्त्री के कमरे में मैं नहीं सो सकता। साहब के साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं सो सकता तू कमरे में, तो जा मार भूतों के साथ, जा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। Mindy।
चलो हम दोनों भाग चले। जी हाँ। क्या भाग चले? मैं भी देखती हूँ कैसे भागते हो। भागो भागो नहीं भागो, देखती हूँ कैसे भागते हो। सारे नौ के सारे बस बस गए। और कितनी देर है अभी? अरे बेटा लालू कितनी देर? यही कोई डेढ़ घंटा और। तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। संदीप बाबू यूं कीजिए, आज के लिए सुबह आठ में कह रहा तो खुलने से पहले ही पहुंच जाऊंगा। अरे मगर मैं उससे कह कर आया हूँ कि मैं कमरबंद साथ लेकर लौटूंगा। आप तो देख ही रहे हैं बाबू जी, से कहिएगा कि सुबह हर हालत में पहुंच जाएगा। मैं कह रहा था मगर वो मानेगी साहब। एक बात कहूँ शायद, सेठ जी को साथ ले चलिए ना, ये कह देंगे तो वो मान जाएंगे शायद। ये तूने ठीक कहा करमचंद, तू मेरे साथ चलो। अरे लालू जरा दुकान का ध्यान रखना भाई। सो गई शायद। अरे कोई है? दरवाजा खोलो। बाबू तो बाहर चले गए। तू मरेगा, तुझे कहा था ना जवाब ना देना। चुपचाप जाकर सो जा, मेरी इज्जत से क्या कहते हो? सुमन सुमन नहीं बोलती, जाओ रह तो जाता नहीं मेरे बगैर। बनते ऐसे जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं। सेवक तू जा पिछले दरवाजे से पैरी को जगा। सुमन सुमन मुझसे भी तो नहीं रह जाता। सुमन क्या है? तो ये नखरा सुमन कौन क्या है? क्या है? कौन है? दीदी जी आवाज़ है। दीदी जी जवाब मत देना। क्यों जवाब मत देना? भूत है भूत। कभी आपकी उनकी नकल करता है, कभी मेरी उनकी नकल करता है। कौन? तू कौन है?
तू कौन है? मैं पूछता हूँ तू कौन है? मैं सेवक हूँ। सेवक? सेवक तो मैं हूँ शायद। तू शायद है, मैं तो सचमुच का सेवक हूँ। झूठ बोलता, दरवाजा खोल। तू चला जा बाबा, तू चला जा। खोल दरवाजा, जरा देखूं तो तुझे। नहीं, मैं भूत देखना नहीं चाहता हूँ, तू चला जा। प्यारी प्यारी, ये झूठ बोलता वो सेवक नहीं, सेवक मैं हूँ। तेरे पाँव पड़ता हूँ, तू चला जा यहाँ से। अब तो सोने दे, दिन में किसी वक्त आना। चला जा बाबा। तुझे कहा था ना, जवाब मत देना। चल सुमन। घर के सब लोग जाग रहे हैं, दूसरा कोई नौकर रख लिया है। मेरी आवाज की नकल उतार रहा है। मैं सब समझता हूँ, सवेरे बेइज्जती करके जी नहीं पाए। सेवक दरवाजा तोड़ दे। अच्छा साहब। सेवक रुक जा। मैं कहता संदीप बाबू, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक नहीं कर रहे हैं? मैं अपने घर का दरवाजा तोड़ रहा हूँ। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आसपास के लोग मैं कह रहा था देखेंगे। अरे देखेंगे तो देखने दो। सेवक तू तोड़। अच्छा साहब। ना सेवक रुक जा। संदीप बाबू, बहू जी अगर जानबूझ कर ये कर रही हैं तो ज्यादती कर रही हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं, मैं कह रहा था, मैं क्या कह सकता हूँ, आप तो मालिक हैं। करमचंद, मैं तुम्हें इस वक्त मालिक नजर आ रहा हूँ। अरे मेरी हालत तो सेवक से ही बुरी है। जी हाँ साहब, आपकी हालत मुझसे भी बुरी है। चल किरण के घर चले, अब जिंदगी भर इस घर में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन साहब दरवाजा नहीं तोड़ूंगा। प्यारी और प्यारी को चल। करमचंद जी, वो किरण का घर जानते हो? कौन किरण? वो स्कूल टीचर। वो जो स्कूल में पढ़ाती है। कमर मन सवेरे वहाँ ले आना, यहाँ लाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा था मैं सुबह वहाँ पहुँचा दूंगा। बन गया चाचा। कमरिया झूले कमर बंद भारी के सोना बड़ा बजनी रे। मैं हूँ किरण। अभी तक सोए नहीं तुम? उठो जरा, मच्छरदानी ठीक कर दो। अब जितना मसलोगे चोट को उतनी सूझेगी। पति पत्नी का झगड़ा किस घर में नहीं होता भला? होता है किरण, हर घर में होता है, मगर ऐसे कुत्तों का सा बर्ताव कोई बीवी नहीं करती। अच्छा अच्छा चुप रहो तुम। उसने एक बात कही होगी, तुमने 10 कह दी, वरना भाभी ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं जानती। नहीं जानती, जैसे मैं तो कभी मिली ही नहीं। अरे मिलने से क्या होता है, चमड़े से लहू का रंग थोड़ी दिखाई देता है। मैं तो बचपन से उसी के साथ पला, उसी की माँ ने मुझे बड़ा किया, मगर मैं नहीं जानता था कि वो ऐसी निकलेगी। सुबह मिलोगे तो सब जान जाओगे। मिलूंगा? अरे मैं जीते जी उसकी सूरत तक नहीं देखूंगा। चलो अब सो रहे। अरे ये सांप के सूसर की आवाज कहां से आ रही है? सांप नहीं, उस सेवक सूरा बाहर। Thank you.
लड़की थी तो खूबसूरत छी बाबू, माँ जी सुनेंगी तो नाराज होंगी। अरे लड़की खूबसूरत है तो माँ जी को नाराज होंगी। पराई स्त्री के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे गधों, वो पराई नहीं, कुंवारी है। कुंवारी? कुंवारी? हाँ। अच्छा, वो भाभी है? भाभी? हाँ, मेरा मतलब है भाभी की बहन। मैंने खूब सोचा, लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत हो लेकिन अगर दिमाग से गई बीती हो तो घर नहीं बच सकता। हाँ बाबू, कितनी प्यारी क्यों ना हो, रात वाली प्यारी जैसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूँ बाबू, ये शहर फौरन छोड़ देना चाहिए। देखते नहीं बाबू, जब से इस शहर में आए हैं एक न एक मुसीबत खड़ी हो जा रही है। मेरा कहना मानो बाबू, पेड़ों को रहने दो जंगल में और यहाँ से चले चलो। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन अगर दो चार रोज और रुक जाते। नहीं नहीं बाबू, दो चार रोज नहीं। माँ जी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी थी, मैं तो अब तुम्हें इस जादू नगरी में एक दिन भी ठहरने नहीं दूंगा। तो फिर जैसी तेरी मर्जी। हाँ तो तुम जाओ होटल, मैं जाता हूँ टिकट लाने। पैसे हैं तेरे पास? हाँ मेरे पास पैसे हैं। अच्छा।
अंजू। हाँ? देखा नहीं अंधा बड़ा बदमाश है ये दिल बड़ा बदमाश है ये दिल काबू नहीं आता बड़ा बदमाश है ये दिल कहीं पिटवाएगा मुसीबत लाएगा बड़ा बदमाश है ये दिल खूबसूरत को कहीं भी देख लेता है किसी भी खूबसूरत को कहीं भी देख लेता है उसी के पीछे पीछे ये मुझे भी खींच लेता है कहीं पिटवाएगा मुसीबत लाएगा बड़ा बदमाश है ये दिल अजब धुनकी में रहता है अनोखे काम करता है जब धुन की में रहता है अनोखे काम करता है उसी के दम से जीता है ये दिल जब जिस पे मरता है कहीं पिटवाएगा मुसीबत लाएगा बला बदमाश है कहीं पिटवाएगा मुसीबत लाएगा बड़ा बदमाश है ये दिल किसी नूरानी चेहरे पर नजर झपकी के दिल गायब किसी नूरानी चेहरे पर नजर झपकी के दिल गायब कभी आंखों में जा डूबा कभी एक तिल पे दिल गायब कहीं पिटवाएगा मुसीबत लाएगा बड़ा बदमाश है ये दिल काबू नहीं आता बड़ा बदमाश है ये दिल अरे रुक देखूं कौन है बिन बादल मैं कह रहा था बरसात यानी कि आप मैं तो आप ही के पास आ रहा था संदीप बाबू ओहो बड़े अंतर्यामी मालूम होते हैं दिल से दिल को राह होती है ये लीजिए अपना गहना है ना सुंदर मेरा गहना आपकी धर्म पत्नी का गहना आप ही का गहना तो हुआ मिस्टर मेरी कोई धर्म पत्नी नहीं समझे आप अपना रास्ता लीजिए आए रात की घटना के बाद आपका ये कहना कुछ गलत नहीं है लेकिन एकदम से ये कह देना भी ठीक नहीं है मैं कह रहा था रात की घटना आपको किसने बताई बताता कौन मैं साथ जो था आप साथ थे हाँ मगर मैंने आपको क्या नहीं देखा संदीप बाबू आप बड़े आदमी हैं देखा तो क्या ना देखा तो क्या ये लीजिए अपना गहना मैं कह रहा था लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मेरा गहना नहीं है मुझे नहीं चाहिए चाहिए या ये नहीं चाहिए ये आप जाने आपने मुझे ऑर्डर दिया था मैंने दिन रात लग के इसे बना दिया अब आप इसे अपनी धर्म पत्नी को दीजिए या किरण को मैं चला
रिक्शा चलो। अरे किरण कौन है? घर नहीं जाओगे? मैंने कहा ना उस घर का नाम मत लो मेरे सामने। घर सुना नहीं आया अभी तक? अरे सेवक, ओ सेवक, सेवक, सेवक। अरे यार जवाब तो देने दे। आया साहब, आया साहब। हाँ क्या कहा था सुनार ने? गहना कब देगा? कल रात 9 बजे देने के लिए कहा था साहब, लेकिन नहीं दिया शायद। अरे कल नहीं, आज किस वक्त देने को कहा था? कहा था सुबह सुबह आ जाऊंगा। ओहो, उस कमबख्त की सुबह नहीं हुई अभी? शायद हो गई साहब। है हो गई। अच्छा तू चल पता कर। अच्छा 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 मैं चलता हूँ तेरे साथ। आप भी चलेंगे? खाना क्या खाओगे? खाना यही खाऊंगा। अलमारी में से जितने कागज किताब और कपड़े हैं सब ले आना। अच्छा। और देख ये 2 रुपए ले। 2 रुपए? हाँ, बाजार से एक मजबूत सी रस्सी खरीद कर अपनी बीवी जी को देना। बीवी जी को? हाँ, और कहना कि कमरबंद तो नहीं मिला, ये गुलूबंद भेजा है, अपने गले में डालकर लटक जाए। नहीं साहब ये मुझे। अरे तेरे तो अच्छे से भी होगा। मैंने कहा ना जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, समझा? 2 रुपए। सुनिए साहब। हाँ साहब 2 रुपए और दीजिए। क्यों? एक रस्सी और चाहिए। किसके लिए? प्यारी के लिए। ये ले। हाँ चलो भाई। ना 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 कांता जी देखो यहाँ तुमने लिखा है, गहना दिया और कीमत ले ली, कीमत ले ली और मेरी रकम वापस, है ना? है तो सही, लेकिन धर्मदास जी सोचिए, सुबह चढ़ते ही गहना दिया है और मैं कह रहा था दोपहर चढ़ी नहीं, और मैं तकादा करूं तो ये क्या अच्छा होगा? देखो भाई तुमने कहा था वहाँ भगवान का दिया बहुत। वो तो ठीक है, भगवान का दिया बहुत है, जब मांगे दे सकते हैं। ना 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 ना, हाँ दे सकते नहीं, तुमने कहा था कि दे देंगे। ओहो कहा तो था लेकिन जो कहा था वही बेपार की बात है, और बेपार में प्यार नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो चलिए 2000 का गहना है, 1000 आप ले लीजिएगा। 1000 मैं ले लूंगा बस। और सुन 2-4 दिन में वो भी दे दूंगा। 2 या 4? 4 ठीक है। तो चलिए चलिए। रिक्शा करमचंद। संदीप बाबू भाई वाह, फिर बिन बादल मैं कह रहा था कि बरसात, मैं तो आप ही की तरफ जा रहा था। मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा था। ये धर्मदास जी, मैंने इनसे 1000 रुपया उधार लिया था और कहा था कि आपका गहना बनते ही मैं लौटा दूंगा। गहना तैयार हो गया? जी मतलब? अरे मतलब रुपए तो दे दूंगा, गहना तो दे दो। वो तो सुबह ही दिया था। किसको? अरे आप ही को तो दिया था। अरे मगर तुम उसे मिले कब थे? जी ये बड़ी अजीब सी बात है, मैं कह रहा था बेपार की बात है, गहना दे दो रुपया दे दो। तुम चुप रहो जी। संदीप बाबू जब आप सुबह मिले थे तब भी मुझे उखले उखले लग रहे थे। कौन? आप, आपके विश्वास पर ही तो मैंने गहना दिया था। नहीं 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 विश्वास बात है प्यारी, और बेपार में प्यार नहीं। अरे भाई यार तुम्हारा प्यार। संदीप बाबू देखे ना, जब आप सुबह मिले थे तो मुझे पहचान तो रहे थे क्योंकि राह की बात हुई थी, लेकिन वो पहचाना नहीं। मैं कह रहा था माशे ये क्या कहना चाहते हैं जरा इनसे समझकर मुझे समझा दीजिए। ये कह रहे थे इन्होंने आपको गहना दिया था। हाँ। कह रहे हैं क्या आप इन्हें गहने की कीमत दे दीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं है कर रहा। तुम चुप रहो जी। अंगूठे पर कागज और समान हाथ पर की। देखिए संदीप बाबू आप सुबह मिले थे तभी आपने मुझे ऑर्डर नहीं दिया। मैंने कब कहा कि ऑर्डर नहीं दिया? लीजिए ये देखिए, जब मिले थे तो कहते थे ऑर्डर नहीं दिया, और जब ऑर्डर दिया मान लिया तो कहते हैं मिले नहीं थे, और मेरे गहने का जैसे कोई नाम ही नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, गहना कहीं और बेचकर मुझसे रुपए लेना चाहते हो? लेकिन मैं कह रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे कहने से क्या होता है? आप झूठ बोलते हैं। जबान संभाल कर बात करो वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ हाँ बुलाइए बुलाइए पुलिस को, कोई चोरी नहीं की है, बाकायदा माल दिया है, उसकी कीमत मांगता हूँ। बुलाइए बुलाइए। हेलो मिस्टर संदीप। बुखारी साहब मैंने इन्हें गहना बनाने का ऑर्डर दिया, गहना तो इन्होंने दिया नहीं, कीमत मांग रहे हैं। मैं गहना इन्हें दे चुका। फिर वही बात, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ सड़क पे झगड़ने से क्या फायदा, पुलिस स्टेशन नजदीक है, वहाँ चलिए, वहाँ आराम से बैठ के बात कर लेंगे। मैं तो बात यही खत्म हो जाती वो थाने में। ला 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 ला।
आज के मेल का बंबई का 2 फर्स्ट क्लास का टिकट। नाइन में भाई। अरे संदीप बाबू कोई झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा? चौपले बाबू थाने में क्यों बैठे हैं? हाँ ना? अरे सुनो सुनो, थाना उधर कहाँ है? थाना तो इस तरफ है। बिल अपना ही पीछा करता है। नहीं पकड़ सकता, नहीं पकड़ सकता। ये तो बड़ा अजीब केस हो गया है। मेरे ख्याल में एक काम किया जाए, फिलहाल 2000 रुपए मंगा के रख लेते हैं, गहना मिल गया तो दे देंगे। मैं भी मंगवा लेता हूँ। देखिए इस जगह मेरा कुछ दिल नहीं लग रहा है। प्रोनोट के हिसाब से रुपया मुझे दुकान में मिल जाना चाहिए। ओ, था। खबर कीजिए, गहना आ गया तो रुपए भी मिल जाएंगे। हाँ बाबू, बाबू क्या हुआ? अरे तू यहाँ कैसे चला आया? चलो अच्छा हुआ, रस्सी ले आया। कौन सी रस्सी? मैं तो टिकट लाने गया था। टिकट? रस्सी? कैसा टिकट? तू रस्सी लाने गया था ना? नहीं तो मैं तो वहां से सीधे टिकट लाने स्टेशन गया था। ओहो, कैसे कोई इन लोगों के साथ काम करे? कभी कोई सीधा काम किया है तूने? ये ले चाबी, बीवी जी से कहना कि 2000 रुपए अलमारी से निकाल दें। बाबू उस घर में फिर से जाना पड़ेगा, रात वाली बात भूल गए क्या? याद है, अच्छी तरह याद है, लेकिन अब तू जा। अच्छा। और सुन, हाँ। सीधे यही लौट आना, रेलवे स्टेशन न पहुंच जाना। अच्छा। कुछ समझ में नहीं आता, हर तरफ तो ताला बंद था, फिर आखिर वो लोग बाहर निकले तो निकले कैसे? भूत तो दीवार में से भी गुजर जाते हैं बीबी जी। अंजू तुझे तो कोई चिंता नहीं है, आखिर मैं उन लोगों को कहाँ ढूंढू, कहाँ जाऊँ बताओ? मैं क्या बताऊँ दीदी, मैं कहती हूँ ओझा को बुला लो बीबी जी, वही अच्छा होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए पागल हो जाएंगे। ओझा तो तेरे लिए बुलाना पड़ेगा। जरा सबर करो दीदी, दोनों साथ गए हैं साथ ही लौट आएंगे। मेरा ख्याल है तुम्हारे कमरबंद के लिए जो बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे थे ना, उसी शर्म से भाग गए हैं। लो एक तो आ गया। वो तो मेरा ही दम था जो चलाया। साहब कहाँ? थाने में। थाने में क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ये चाबी थी और कहा घर से 2000 रुपए ले। तुझे क्या हो गया? 100 सुनार की एक तुम्हारी दी तुरा। लेकिन थाने में क्यों? कल वाले ड्रामे का कोई सीन होगा। बाबू ने मुझे जल्दी लौटने के लिए कहा है। चला तुझे रुपए निकाल दो। मर गया। नीचिया तुझे बताती हूँ मोटे। गवर्नर साहब। हाँ वो सेवक नहीं आया अभी तक, मैं जरा देख कर आता हूँ। हाँ आना आना मोटे। हाँ रुक क्यों गया? हाँ दांत तोड़ दूंगी तेरे, फिर मत कहना। हाँ इधर की मौत आती है तो शेर की ओर भागता है। बड़ा आया है। हाँ पर पंख निकल रहे हैं छोटे के। आने सेवक तुझे क्या हो गया? ये तो गले में लगेगी। गले में लगेगी? ये ले लो, ये नहीं लगेगी। हाँ ये ठीक है। कितने में? 4 रुपये। 4 रुपये? 2 रुपये दोगे? 2 रुपये? हाँ आगे मुफ्त मिलती है, जाके ले लेना। भैया है क्या? लेगा क्या? लेगा ये मुझे नहीं चाहिए। अरे अभी तो कह रहे थे ना मुझे गले में लगता नहीं, क्या करूँ? और क्या? अरे Thank you.
खाने से छूट गए बाबू। खाना? हाँ। अरे क्या बकता है, मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा था? रुपए लाने के लिए। ये लो 2000 रुपए। 2000? हाँ। ये रुपए तू कहाँ से ले आया? वही से, रात जहाँ गए थे। तू फिर उस घर में गया था? तुम्ही ने तो कहा कि जल्दी जा, 2000 रुपए ले आ। अरे मैं पूछता हूँ, वो लोग हमारे लगते कौन है जो मन से रुपए मांगता? खुद ही तो कहा। और अब अरे गधो, जहाँ से हम जान बचाकर भागे थे वही मरने भेजता तुझे है? माफ करना बाबू, भूल हो गई, मैंने सोचा अपने ही रुपए हैं, भाभी के पास रखे होंगे। भाभी? भाभी भी हो गई? वो थी वहाँ? हाँ। तूने उसे देखा? टिकट तो खरीदी लिया तूने? खैर तू चल, मैं भी आता हूँ। आता हूँ तो समझे, तुम जा कहाँ रहे हो? अरे रुपए वापस नहीं करने हैं। फिर वहाँ जाओगे तुम? तो फिर तू ही चला जा। अरे बाप, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, वो प्यारी है ना, उसने तो मेरी जान खुश कर दी। वो क्या बोलती है मेरी कुछ समझ में नहीं आता, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, तुम जाओ, मैं होटल जा रहा हूँ। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। कैसे बन गया तालियां, 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 दिल की तालियां बजाइए, मुस्कुराइए। अब तो मुस्कुराइए, मुस्कुराइए जरा, आपकी शरारतें गुल खिला चुकी, और कोई गुल खिलाइए, मुस्कुराइए। मैं कहाँ हूँ?
मेरे पास, मेरी गोद में। जीजा जी, शर्म नहीं आती आपको? अरे भाई, मैं तुम्हारा जीजा जी नहीं हूँ, समझते क्यों नहीं? चुप रहिए, ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। अंजू, संदीप भैया, कौन आपसे अंजू से झगड़ा हो रहा था? आपकी तारीफ? रात भर मेरे पास जाके भाभी की शिकायतें कर रहे थे और अपन मेरी तारीफ पूछ रहे हैं। तो आप नंबर 1, 2, 3 नंबर 4? भैया ये क्या है? मेरी बात देखिए चाची, न मैं आपकी बहन ना आप मेरा भाई। चाचा, चाचा ने पुकारा, आया आया चाचा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है चाचा। पूछते हैं सब क्या हो रहा है। तुम समझते हो मैंने कुछ देखा नहीं? देखा है तो फिर पूछते क्यों? पूछती इसलिए हो कि ऐसा नया खेल क्या हो रहा है। देखा नहीं, मैं होली खेल रही थी। क्यों नहीं, कन्हैया से रंगीले मिले थे। दीदी जीरो भी करते नाम लेते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मुझे नाम लेते शर्म आएगी, तुम्हें रात में चाहते हुए शर्म नहीं आई? देती हो जो मुँह मेरा वो नहीं समझे, जो आपको तुम्हें तो बोल दिया। तुम तो मेरा सारा घर बार चूर करने पे तुली हुई हो, मेरा तीन दिन में चूर चूर कर दिया। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं चली जाऊंगी। कोशिश तो कीजिए, वो जब मोड़ पर रिक्शा जा रहा था, आपने रिक्शे को पुकारा था और मैंने पीछे से पर्दा उठाकर झांका था और आप सामने खड़े थे, याद है ना? जी नहीं, मेरा रुपया तो याद है ना? जी नहीं। क्यों दीदी जी, डॉक्टर सॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, मैं कहती हूँ एक ओझा को बुला लेते ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं तो बिल्कुल दंग ही रह गई। यूं उछल कूद कर दौड़ना संदीप जैसी बात ही नहीं। अब क्या होगा, मेरा ख्याल सचमुच पागल हो गया, नहीं तो क्या मुझे नहीं पहचानता? पागल नहीं हुए, भूत चढ़ गए, इसलिए तो कहते हो एक ओझा को बुला लीजिए, एक दूनी पुता लेगा बीबी जी। तो जाए ना बुला ना। क्यों अंजू? तो जाओ बीबी जी, यहाँ पैसे ही कमा रहे हैं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। कहाँ मर गया सेवक, अभी तक नहीं आया। बुखारी साहब, बुखारी साहब, मैं खुद ही जाकर रुपए ले आता हूँ। हाँ ले आइए, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मैं कह रहा था कि जी, मैं भी कह रहा था कि बगैर फैसले के उनको भेज देना वो कुछ ठीक है भैया, कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है, क्या कह रहा था मैं जानता हूँ। अच्छा साहब, अब आ गए, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हिम्मत क्या नहीं हो रही थी? यही बीबी जी को जो रस्सी देने के लिए कहा था। होशियारी मत कर। हाँ? मैंने तुझे थाने में रुपए लाने के लिए कहा था। नहीं तो मुझे तो रस्सी लाने के लिए भेजा था। रस्सी लाने के लिए भेजा था? उधर थाने में कह रहा था कि मैं रेल की टिकट लाने गया था। आजकल गांजा पीने लगा है? गांजा तो सर आपने कल पिया था, वो मुंह में सिगरेट लेकर। कल आप कह रहे थे 2000 रुपए क्या हो गए? कल कल क्या कर रहा है? अरे मैंने थोड़ी देर पहले तुझे 2000 रुपए लाने के लिए कहा था, उधर बैठा बैठा मैं थाने में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। देखिए साहब, आजकल तो आपको शायद कुछ याद ही नहीं रहता, शायद आपका दिमाग खराब हो गया। जबान संभाल के बात कर, वरना तेरा नशा उतार दूंगा। मार डाला, हड्डी तोड़ दूंगा, जान निकाल दूंगा। तुम तो नहीं आ सकते हो। देखिए ना बीबी जी, साहब ने मुझे कभी 2000 रुपए ले जाने के लिए कहा ही नहीं। क्या नहीं कहा? अभी तो थोड़ी देर पहले लेके गया था।
मायने लिया 2 रुपए है भाई का झूठा है भाई का झूठा है हां जय गुरु गट्टा जय गुरु गट्टा क्या कौन ये तुम मेरा मतलब है वो तुम लोगों पे भूत चढ़ गया ना इसीलिए बुलवाया था होश में हो कि नहीं जब तक बात का पतंगा न बना लो तुम्हें चैन नहीं आता जय गुरु गट्टा जय गुरु शाम तक 200 रुपए अखाड़े पर पहुंचा देना तुम्हारा स्वामी ठीक हो जाएगा लेकिन हम लोग भी तो साथ चलेंगे गुरुजी। नहीं पुरुष भूत के सामने स्त्री दूत का जाना मना है तुम नहीं जा सकती बच्चा जय गुरु घंटा जय गुरु घंटा जय गुरु घंटा प्यारे ये तूने अच्छा नहीं किया अब रोने से क्या होगा दीदी जब ओझा के हवाले कर ही दिया है तो सबर करो देखो क्या होता है लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि सेवक ने 2000 रुपए का क्या किया हाँ देखो ने कैसे साफ मुकर गया वो तो इससे भी इनकार करता है कि उसने 2000 रुपए कभी लिए इसीलिए तो कह रही हूँ ना चलो थाने चलकर पता करें चलो तेरा झूठ मुझे पटाखा ये बंदर का भूत नहीं किसी बकरी का भूत है ये हो नहीं सकता हाथ पे सारू आठ पे आरू खींच के मारू नाक पे झाड़ू खोदा सांप के नाकू झाड़ू डालो तो एक बार खुलने दे तेरी सारी टोली को पुलिस के हवाले नहीं किया तो कहना मिसेस संदीप सेवक गया तो सेवक भी गए संदीप बाबू गए वो भी गए मुझे तो कुछ गड़बड़ मामला लगता है ए कहाँ चले भैया प्यार से बोलो ना प्यार दोपहर में प्यार नहीं चलता बैठो वाह भाई बात तो आपकी सही है क्योंकि यहाँ भी कुछ उलझन में डाल रखा था उन्होंने देखिए ये सुनार महाजन का क्या होगा 2000 रुपए तो जमा कराना ही पड़ेंगे लेकिन मैंने सेवक को 2000 देके भेज दिया था सेवक यहाँ नहीं आया अगर सेवक आता तो मिस्टर संदीप को जाने की क्या जरूरत थी हद हो गई सेवक यहाँ भी नहीं है और जब घर पे वापस आया तो साफ इनकार कर दिया कि उसने पैसे लिए ही नहीं कमाल मुझे तो लगता है कि शायद दोनों अपनी याददाश्त खो बैठे ये वही थे ना मुझे भी मिस्टर संदीप ही लगे लेकिन ओझा से छुड़ा के कैसे भाग सकते हैं जीजी ये तो जीजा जी है अरे अंजू ये तो सब सामान वामान लेके हमें छोड़ के भाग रहे हैं भाग कैसे सकते हैं इस केस का क्या होगा सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी अब क्या होगा अब घबराइए नहीं मैं देखता हूँ बाबू कल वाली भाभी साली आज पुलिस भी साथ है भागो भागो चले बाबू ये लेके भागा नहीं जाता फेंक दे फेंक दू मिस्टर संदीप मिस्टर संदीप Thank you.
कमरे में पुस्तकें टंगी रहती हैं, उसमें पकड़ना। बाबू आपका सबूत फंस गया, किधर भागे? भाग भाग भाग, जिधर थाना नहीं है। थाना नहीं है, थाना किधर नहीं है? इनको थाना दिखाओ। बाबू माता सबूत फंस गया। हमने किया क्या है, है? ये शहर है या जादू नगरी? मैं पूछता हूं कि आप लोग क्या है? आप लोग क्या है, क्यों है? अरे चुप क्यों हो, है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? हमें यह बताइए कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया है? संदीप बाबू, ऐसी हालत में आप नहीं समझ सकते। आप इन्हें पहचानते हैं? ये करमचंद सुनार हैं। इन्होंने कमरबंद आपको दिया था जो आपको याद नहीं। याद कैसे नहीं, कमरबंद मेरे पास है, ये लीजिए। मैं कह रहा था यही तो है वो। आप इनकार क्यों कर रहे थे? मैंने कब इनकार किया है? इन्होंने जबरदस्ती कमरबंद मेरे गले में डाल दिया था। आप ही ने तो खुद ऑर्डर दिया था संदीप बाबू। फिर वही, अरे मैंने कब ऑर्डर दिया था? जीजा जी आपको याद नहीं, आपने ऑर्डर दिया था। चुप रहो। ये जीजा जी क्या लगा रखा है? और ये देखिए, ये कहती है ये हमारी धर्मपत्नी है। नहीं मिस्टर संदीप, ये अच्छी बात नहीं है। आपको इस तरह इन लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी, मगर मैं फिर कहता हूँ कि ये मेरी धर्मपत्नी नहीं है। ना ना ना, पति पत्नी का झगड़ा घर का, व्यापार की बात ये है कि जेवर मिल गया। लीजिए बहू जी, और 2000 रुपए दे दीजिए। जी अब कैसे रुपए? सेवक के हाथ से दिए थे। हाँ रुपए तो मुझे दिए थे, वो तो मैंने बाबू को दे दिया। रुपए? हाँ। वो तो मेरे पास है, ये रहे। तब घर पे क्यों इनकार कर रहे थे जब ओझा आए थे? ओझा? ये कौन ओझा है रे? अरे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू देख तो सही, तू देखता जा। मेरा नाम संदीप है। मैं भी संदीप हूँ। मजाक मत करो, साफ साफ बताओ कौन हो तुम? मैंने कह दिया ना मैं संदीप हूँ। साहब तो फिर वो कौन है? सेवक। जाओ सामने तो आ बच्चों, देखो किस साहब का सेवक है। अच्छा असल में तू है कौन बोलता? सेवक शायद। हाँ शायद। अच्छा हुआ उसमें तेरे हाथ पाँव में दर्द होता है? नहीं तो, लेकिन पुनवासी में होता है, ये हाथ ही नहीं हिलते। अच्छा तेरे हाथ ऐसे हिलते हैं? नहीं तो। तब तो सेवक कैसा? मैं सेवक हूँ शायद। तू फिर मैं कौन हूँ? रहते कहाँ हूँ? बम्बई में, टिम्बर का बिजनेस है, वहीं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। माँ के साथ? और कौन है घर में? कोई नहीं, एक मामा थे जिनके आश्रम में बड़ा हुआ, कुछ साल में वो भी गुजर गए, अब सिर्फ अकेली माँ है घर में। क्या हुआ दीदी? कितनी शर्म की बात है अंजू, मैं कैसे भूल कर रही थी। ओ दीदी भूल की तो नहीं ना, अब क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? जी जी, अगर धरती फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। तुम्हारी माँ जिंदा है? सुमन तुम्हारी माँ जी ने क्या कहा था? अरे कहाँ है सुमन? दीदी समा गई। माँ माँ माँ, अरे काम काज हो गया तेरा? हाँ माँ सब खत्म हो गया। माँ तुमने कहा था ना कि मेरा जुड़वा भाई था। हा? और ये भी कहा था कि सेवक का जुड़वा भाई था। तो आओ मेरे साथ। मतलब क्या? तुम आओ तो सही। माँ माँ जल्दी करो, जल्दी उठो उठो, जल्दी करो चलो। छोड़ अरे मत, अरे मत, बाद में देखो। देखो
तो सही माँ। अरे अरे क्या हुआ माँ? माँ माँ बहू वैसा बिल्कुल वैसा बहू है मेरी। हाँ माँ मेरी भाभी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि फिर ये संसार देखूंगी, फिर तुम दोनों को एक साथ देखना नसीब होगा। होने कितनी अजीब है, उसी दिन रास्ते में पड़े दोनों सेवक मिले, वो भी जुड़वा, और उसी दिन एक पास रह गया एक बिछुड़ गया। कितनी भयानक रात जहाज में सफर कर रही थी, आज भी याद है कैसे तूफान आया। हवा बिजली बादल, लग रहा था जैसे धरती उसी में डूब जाएगी। फिर जहाज में एक शोर हुआ, उसमें कुछ समझ में नहीं आया। लोग कश्ती में उतारे जा रहे थे, एक संदीप और एक सेवक भी उतारे गए। बस और बस वही मैंने तुम्हें आखिरी बात देखा। देवर जी आप चाय पी लीजिए और देखिए आप कौन से बने। भाभी जी एक अच्छी सी निशानी रख लीजिए वरना मैं कहता हूँ बहुत छेड़ूंगा। हाँ छेड़ने के लिए बहन तो दे दी है, अब और क्या चाहिए। अच्छा ये बताइए अंजू आपको कैसी लगी? आपसे बहुत अच्छी है, मुझसे तो बहुत पहले ही भूल हो गई। कौन छोटे या बड़े? तुम्हारे जीजा जी। क्या हो रहा है कमरे में, छोटा कहाँ? ये क्या माने, अपने भाई की हालत देखिए, दो तारीख से घड़ी बंद है, आज चार तारीख है अभी तक चालू नहीं। वक्त ठहर जाने से घटनाएं नहीं रुकती, वो तो फिर भी होती रहती है, समझी? क्या समझी? नहीं समझी? ओह तुम वो है आप तो आए हमारे कमरे में जरा। नहीं अभी जैसे कहा है कि अंजू का कमरा मेरा कमरा। और मैं कहा रहा हूँ तुम मेरे पास, मैंने माजी से पूछ लिया। बड़े बुरे चले गए। माँ जी आप ठीक से निशाने दे दीजिए ना जीजा जी, और वो बहुत तंग कर रहे। बहुरानी भी यही शिकायत करती है, मैंने कह दिया है बड़ा धोती कुर्ता और छोटा पैंट कमीज पहने, और बहू सेवक से भी कह देना छोटा बंदी और बड़ा कमीज पहने। माँ जी आपने पैंट किसको और कुर्ता किसको? तुम्हारे वाले पैंट शर्ट पहनेंगे। छोड़ दे छोड़ दे, मैं नहीं छोटा, तू छोटे, नहीं छोड़ दे, हर जगह कमीज मैं पहनूंगा। नहीं माँ जी ने कहा बड़ा कमीज पहने का, तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, उसके कहने से थोड़ी भी बड़ा हो जाता। अब मैं क्या करूँ, मेरा वाला मोटा कौन सा है प्यारी? प्यारी तू सचमुच ही प्यारी है शायद। चल बैठ। अंजू